गाढ़े खून पसीने की कमाई लगाकर आदमी अपने आशियाने का सपना संजोता है, लेकिन वो कमाई बिल्डर डकार जाए तो घर मिलने के सपने पर काले बादल मंडराने लगते हैं और लोन की मोटी ईएमआई की मार से बायर परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस बार बायर्स को धोखा देने, उनकी कमाई डकार जाने समेत करने अन्य आरोपों से घिरा कॉस्मिक बिल्डर बायर्स पर हमला करके फंस गया है। पुलिस उसे आगरा ले गई है, लेकिन क्या इस बार भी बिल्डर पुलिस से बच निकलेगा? साथ ही आपको बताएंगे कि अश्योर्ड रिटर्न की पड़ताल कैसे की जाए। ये स्कीम जिसको आप विश्वास के साथ लेते तो हैं, लेकिन कहीं वो आपके जी का जंजाल ना बन जाए, तो विस्तार से आज के कार्यक्रम में चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं आज का प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। कॉस्मिक बिल्डर के धोखे के शिकार लोगों की फेरिस्त काफी लंबी है और जब बायर अपना हक मांगते हैं तो बिल्डर झांसा देकर हर बार उन्हें टरका देता है। लेकिन हद तो तब होगी जब कॉस्मिक बिल्डर से मिलने पहुंचे बायर्स पर बिल्डर ने हमला ही बोल दिया। कॉस्मिक बिल्डर के निदेशक बिल्डर शेखर मुत्रेजा पर एक महिला ने जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कॉस्मिक बिल्डर के खिलाफ नॉन अवेलेबल यानी कि गैर जमानती वारंट भी जारी था, लेकिन जब बायर्स बिल्डर से मिलने पहुंचे तब बिल्डर फरार होने की तैयारी में था। आरोप यह है कि ऐसे में बिल्डर ने बायर्स पर हमला बोल दिया। बायर्स ने हमले की फिलहाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस की गिरफ्त में है। कॉस्मिक बिल्डर को अब फिलहाल आगरा ले जाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला था और किस तरह से कॉस्मिक बिल्डर ने यहां पर बायर्स के साथ बदतमीजी की। एक तो चोरी, ऊपर से सीना सूली। इतनी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके इसको दिया और मैंने लोन खुद लेके और मैं दे रही हूँ और इसने बात भी सुनी मेरी और आज भी हम आए हैं इसके बात करने के लिए, तो इसने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा। बिल्डर से मिलने पर मिला हमला, महिला ने कॉस्मिक बिल्डर पर लगाया जानलेवा हमले का आरोप। बायर्स में बिल्डर का खौफ, कॉस्मिक बिल्डर पर बायर्स पर हमला करने का आरोप है। बायर्स बिल्डर की वादा खिलाफी और झूठे वादों से तंग आकर बिल्डर से मिलने पहुंचे थे। बायर्स का आरोप है कॉस्मिक स्ट्रक्चर लिमिटेड के निदेशक शेखर मुत्रेजा और निशांत मुत्रेजा हर बार झूठे वादे देकर टरका देता है, लेकिन इस बार उसने बायर्स पर हमला बोल दिया। शेखर मुत्रेजा है, कॉस्मिक ब्रोकर से है, कॉस्मिक किसका है, और हमने 56 लाख रूपए मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, 56 लाख इन्वेस्ट कर रखा है मैंने, और जब भी हम इसे पैसा वैसा लेने की अपनी बात करते हैं तो ये हमें बेकूफ बनाता रहता है, और जब भी इसके यहाँ पे जाते हैं ऑफिस में तो बात नहीं करता हमसे अभी, और अभी हम इसके घर पे भी आए थे बात करने के लिए, मीटिंग के लिए भी हमने बोला थोड़ा टाइम दे दो सर हम मॉर्निंग में, तो तब भी इसने बात नहीं सुनी है और अपना गाड़ी में बैठता हुआ चला। हम सर रुको तो सही, मैं बात तो सुनो हमारी, तो इसने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। एश्योर रिटर्न के नाम पर चूना लगाने वाले कॉस्मिक बिल्डर के खिलाफ बायर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर है। दो लड़कियां शादी करने लगे, न कंस्ट्रक्शन करने का इंटेंशन था, न पैसा वापस देने का इंटेंशन था, न कुछ भी करने का इंटेंशन नहीं था। हद थकार करके मैंने FIR इनके खिलाफ लॉन्च कराई, उसके बाद फिर मैंने लड़ाई करी और आखिरकार मैंने इनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू करवाए, क्योंकि इन्होंने टोटल फ्रॉड किया था। ये बता रहे थे एश्योर रिटर्न को ब्याज और अब ये बता रहे हैं एश्योर रिटर्न को डिस्काउंट, कि भैया ये तो डिस्काउंट था, तो मैं आप ही का पैसा आपको लौटा रहा था। सबसे बड़ी बात, भैया आपसे पैसा ले लिया, 3 साल तक आप ही का पैसा आपको लौटा था, फिर बचे हुए पैसे में से मैं जो है आपका 20% और काट करके, मतलब खुले में चौड़े में चोरी, बिल्कुल खुले में चोरी कर रहे हैं ये, बिल्कुल। कॉस्मिक बिल्डर के बायर्स पर हमले से बायर्स सकते बायर्स जो है महिला उनकी पैर पे आप देख सकते हैं पूरा अपनी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी वो चढ़ा दी। हालांकि जो बायर्स हैं इन्होंने अपना पैसा भी उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब ये बिल्डर के घर पे पहुंचे मीटिंग करने के लिए, हालांकि उनको बुलाया गया था और उसने जो है गाड़ी अपनी फॉर्च्यूनर जो गाड़ी थी वो जो महिला है इनके ऊपर चढ़ा दी। जो इनसे बात करेंगे, मैडम हुआ क्या था, कैसे आपको ये चोट लगी? हम अपने पैसे लेने के लिए बात करने के लिए आए थे, हमने बोला सर हमें 10 मिनट दे दीजिए, हमें बात करनी है आपसे। इन्होंने बोला नहीं मैं नहीं बात कर सकता। मैंने कहा सर प्लीज बात तो सुनिए आप हमारी, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे और बड़े प्यार से हम बात करना चाह रहे हैं। नहीं जी, इन्होंने नहीं सुनी मेरी बात। अच्छा, कौन गाड़ी में समय कौन था, क्या नाम था उनका और कौन सी गाड़ी थी, कुछ बताएंगे? शेखर ही थे सर, ओनर ही थे वहाँ के। क्या बोल रहे थे वो? वो यही है, कहते मैं बात ही नहीं करना, मुझे बात ही नहीं करनी है। सर आपने टाइम ही लिया मीटिंग का? बिल्कुल, जो बिल्डर के जो शेखर मुत्रेजा उस गाड़ी में सवार थे या तमाम वो बायर्स खड़े हैं जिनका पैसा उनके प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, अपनी खून पसीने की कमाई इन्होंने वहां अपने जो सपनों का घर था जो और तमाम तरह की जो उन्होंने लुभावने सपने दिखाए थे वहां पर लगाया, लेकिन अब ना तो इनको पैसा मिल रहा है ना ही इनको इनका फ्लैट या और तमाम तरह की जो चीजें इन्होंने वहां पर इन्वेस्ट किया था वो बिल्डर दे पा रहा है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे।
आपका क्या नाम है? मेरा कमांडर आनंद है। आनंद जी, जो ये बिल्डर है, कब आपने इन्वेस्ट किया था और आज की जो घटना है इसमें क्या आप जब आए थे क्या हुआ था? देखिए जी, इस बिल्डर के पास हमने अपने रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट्स इन्वेस्ट किए हैं, ऑलमोस्ट अबाउट 35 लाख, और ये हमें पहले एश्योर्ड रिटर्न देता था, पिछले 1.5 साल से इसने वो भी देनी बंद कर दी, और जब हम उसको डिमांड करते हैं तो ये हमें अवॉइड कर देता है, यहाँ कहता है कि भाई इस वक्त नहीं, आपका बाद में आइए, हैं मैं 1 महीने बाद आपका प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, हैं यहाँ कोशिश ये करता है हमें किसी न किसी वर्गलाने की कि हम किसी इसके झांसे में आ जाएं। मैडम के ऊपर एक जानलेवा हमला किया गया और ये एक बिल्डर की बहुत ही हाई हैंडेडनेस है। तो बिल्कुल, बिल्डर ने जानलेवा हमला किया महिला के ऊपर, हालात आपके सामने हैं। हालांकि पुलिस की मदद से बिल्डर को पकड़ लिया गया है और पुलिस थाने में उसके खिलाफ शिकायत दे दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरह के बिल्डर के साथ सख्त से सख्त कार्यवाही क्यों नहीं पुलिस करती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन रजनीश के साथ संजीव कुमार, समाचार प्लस दिल्ली। तो धोखेबाज बिल्डर तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन मुतरेजा बिल्डर की अगर बात करें तो धोखेबाजी के साथ साथ ही जानलेवा बिल्डर भी बनता जा रहा है। अपना हक मांगने लोग पहुंचे थे, लोगों का यही कहना था कि कम से कम आप 10 मिनट बात तो सुन लीजिए, लेकिन बात नहीं सुनी। अब महिला की किस्मत हम अच्छी कहेंगे कि उसकी जिंदगी बच गई, गाड़ी चढ़ाकर पूरी तरह से महिला यहां पर अपनी जिंदगी से हाथ भी धो बैठती थी। तो सवाल यहां पर है कि आखिर बिल्डर्स का हौसला इतना क्यों बढ़ जाता है, लोगों की करोड़ों की कमाई डकार कर आखिर क्यों इस तरह से खुलेआम उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करते हैं, ऐसे में कानून क्या कहता है, वो किस तरह से बायर्स के अधिकारों की रक्षा करता है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने और चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। तो अब तक हम देखते थे कि जो भी बिल्डर है यहाँ पर लोगों को बरगलाते थे, आजकल करके सालों तक उनका प्रोजेक्ट खींचता चला जाता था, लेकिन यहाँ तो कुछ ज्यादा ही बात बढ़ गई है, जान लेने की कोशिश एक तरह से भी बायर्स की। देखिए, ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बहुत, मैं इसे कहूंगा काला दिन है। इस तरीके से बिल्डर अपने चीटिंग, फ्रॉड, ठग सब चलता आ रहा है और बर्दाश्त करते हैं। ये जो क्रिमिनल चीज है इसको तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने पैसा बाहर से पैसा मकान के लिए दिया, अब देर सवेर हो गई, पैसा नहीं दे रहा, बाद की चीज है। ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए तो कानून को इतना सख्त स्टेप लेना चाहिए। मेरे को चर्चा में जब पता चला 7-8 घंटे तक पुलिस में वो फोन नहीं करता रहा, पुलिस थाने में बैठा, इसको इतना मौका दिया क्यों? इस तरीके के क्रिमिनल आदमी को तो तुरंत अरेस्ट करके और इसको किसी तरीके से पक्षपात ना करते हुए आगे कार्रवाई करनी चाहिए। 7-8 घंटे का मौका देना बिल्डर, पता नहीं किन लोगों को, जो इसके साथ वो पॉलिटिशियन है या रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लोग हैं, जो इसको प्रोटेक्शन देने, इसको उम्मीद थी लोग इसका सहारा लेंगे, जबकि एक इट इज अमाउंटिंग टू मर्डर, वो हमारी बहन मर भी सकती थी। जिस तरीके की इसने जुर्म करा है ये तो माफ करने लायक नहीं है। इसके अगेंस्ट क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, चीटिंग का बनता है, फ्रॉड का बनता है, नॉन अवेलेबल वारंट है, और हमारी सरकार दिल्ली सरकार के राजधानी में सामने बैठे बैठे ऐसा क्राइम हो गया और फिर भी उसको 8-10 घंटे का मौका दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, दाल पूरी की पूरी काली है इस वक्त। उसको तो यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, सब चीजें खराब। एक इन्वेस्टर ने एक अप्रूव प्रोजेक्ट, जो यूपी सरकार का अप्रूव करा प्रोजेक्ट है, उसमें पैसा लगाया। अब इसमें सरकार की जिम्मेवारी बनती है इसे ब्लैकलिस्ट करे, इसके नक्शों को कैंसिल करे, इसको जो भी सख्त से सख्त कानूनों जेल में डाले, फांसी दे, जो भी करे, इस तरीके जो चौकन्ने हो जाए, कोई बिल्डर हिम्मत ना कर सके दोबारा ऐसा अटैक करने की। शरद जी, यही ताजुब की बात है कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, गैर जमानती वारंट तक जारी हुआ था, लेकिन जब तक बायर्स ने पकड़कर खुद इस मुतरेजा को पुलिस के हाथों नहीं सौंपा तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। तो ऐसे में बायर्स कई बार डर भी जाते हैं, पता है कि कनेक्शन केवल बिल्डरों का आपस में नहीं है, पॉलिटिकल कनेक्शन भी इनका होता है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनका खुद का पैसा पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उनका लगा होता है, तो ऐसे में वो खुद नहीं चाहते कि कोई एक्शन बिल्डर्स के खिलाफ हो। तो ऐसे में कौन कौन से अधिकार हैं जो बायर्स के पास हैं, कानूनी अधिकार जो उनको ताकत देते हैं ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाते हैं? देखो, बिल्डर ने जो पैसा लिया है, एक इन्वेस्टर का मेहनत का, जिंदगी भर की कमाई का पैसा, उस पैसे को उसने एक तरीके से ठग लिया है, एश्योर्ड रिटर्न के नाम पे एश्योर्ड चीटिंग करी है। जिस बिल्डर का फाइनेंशियल रिकॉर्ड खराब होता है और मार्केट में तो ब्याज में पैसा नहीं मिलता, बैंक के कागज पूरे नहीं होते, एश्योर्ड रिटर्न की स्कीम चला देते हैं।
उसके हिसाब से उसको इतना देना नहीं पड़ता और जिनका पैसा फंस जाता दो चार छह महीने तक तो बिल्डर पैसे देते हैं, उसके बाद पैसा देना बंद कर देते हैं। जो इन्वेस्टर हैं वो मोहताज हो जाते हैं, और क्योंकि ये हमारा आरबीआई भी इसको एश्योर्ड रिटर्न को स्टैंप नहीं लगाता और ये गैर कानूनी चीज है। हमारी सरकारें क्या देखती हैं इस तरीके की जो स्कीम बनती है, बनाने वालों को क्यों नहीं पनिशमेंट दी जाती? इस बिल्डर के नहीं और भी जो एश्योर्ड रिटर्न वाले हैं सभी लोग तकलीफ में, हर बिल्डर ने पैसा कमाने का धंधा बना लिया। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मुत्रेजा बिल्डर की अगर अपने दर्शकों को बात बताएं, समाचार प्लस वक्त वक्त पर ऐसे बिल्डर्स की कलई आपके सामने इसलिए खोलता है क्योंकि समाचार प्लस जानता है कि आपके एक एक पैसे की कीमत आपके लिए क्या है, आपने किस तरह से अपने एक आशियाने का ख्वाब देकर ये रकम जोड़ी है, और उसके अलावा कोई और आपसे ठगी ना कर पाए, कोई आपकी जिंदगी भर की कमाई को लूट कर ना ले जाए, इसलिए समाचार प्लस इस तरह के बिल्डर्स की काली करतूत आपको दिखाता है। तो मुत्रेजा बिल्डर्स की अगर हम बात करें, इससे पहले भी बायर्स इसके घर गए, लेकिन खुद जब बायर्स इसके खिलाफ नारे लगा रहे थे तो खुद एक कॉस्मिक बिल्डर जो है ये यहाँ पर अपने साथ जो भी नारे लग रहे थे खुद भी उस नारों में शामिल हो गए, तो एक तरह से बिल्डर्स का मजाक उड़ा रहा था। और अब तो हद हो गई कि कॉस्मिक बिल्डर ने यहाँ पर जो बायर्स वहां पे गए थे, महिला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जान से मारने की कोशिश की है। तो सवाल यहाँ पर बार बार यही उठता है कि बिल्डर्स आखिर अपनी मनमानी कैसे कर लेते हैं। शरद साहब देखो, हमारा जो रियल स्टेट रेगुलेटर जो बन रहा है उसमें भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बिल्डर मारपीट करता है, क्रिमिनल एक्ट करता है, उसको बिल्डर को प्रोटेक्शन दी जाए। एक तो पैसा का वो चोरी और सीना चोरी वाली बात है, तो पैसा हजम कर गया, किसी को बात करने का मौका नहीं दे रहा है। अगर आपको कोई तकलीफ है, कठिनाई है, पूरी चर्चा करें, आज समय नहीं कल समय दें। जब समय लेके जो टीम गई है मिलने के लिए, और ये तो एक कैलकुलेटिव मर्डर की प्लानिंग हो गई, कल को और भी हादसा हो सकता था। और ये लेडी के ऊपर करा है, जेंट्स के ऊपर करा है, वो हाथापाई में करके कोई और भी गलत रूप हो सकता था। अगर वो गाड़ी चला के भाग ना जाते या किसी और तरीके से मारपीट हो जाती, कितना अलग सीन बन जाता, रियल स्टेट इंडस्ट्री बदनाम हो जाती। तो एक तरफ तो बिल लाकर ये कह रहे हैं कि जो बायर्स के राइट्स हैं, जो बायर्स के अधिकार हैं, उन्हें संरक्षित किया जाएगा, उन्हें और मजबूत किया जाएगा, उन्हें सुरक्षित किया जाएगा शरद साहब, और दूसरी तरफ इस तरह के बिल्डर यहां पर सामने आए हैं। तो इस नए बिल से क्या इस तरह की घटनाओं के खिलाफ भी एक्शन लेने का कोई प्रावधान इसमें बनता है? क्या इस तरह की घटनाएं अगर होती है तो बायर्स को ये ऐसी शक्ति देते हैं कि वो खिलाफ कार्रवाई कर सके बिल्डर के? हमें हर स्टेट अपना अपने रियल स्टेट रेगुलेटर बना रही है। इस घटना के बाद हर स्टेट को इस मुद्दे को भी उठाना चाहिए, बिल्डर किसी तरीके की बदतमीजी, मारपीट, क्रिमिनल ऑफेंस बिल्कुल ना करे। अगर करेगा उसके लिए भी सजा, मॉनेटरी पनिशमेंट, सब तरीके का प्रोविजन होना चाहिए। ये तो बिल्डर पैसा लेके और बदमाशी दिखा रहा है, इसको तो सख्त से सख्त इस तरीके प्रोविजन हमारे कानून में होना चाहिए। अभी रेगुलेटर अक्टूबर तक बनना है। हाँ। उसमें बनाते वक्त इसका भी हमें प्रोविजन करवाना पड़ेगा, नहीं तो किसी बिल्डर की किसी हद तक हिम्मत बढ़ सकती है। जी शरद साहब, ये बताएं क्योंकि अभी जो नया कानून है वो बनेगा, जो इस वक्त का जो वर्तमान कानून है वो क्या कहता है? अगर कॉस्मिक बिल्डर पर वाकई में कानून के आधार पर कार्रवाई होती है तो यहाँ पर कितनी सजा उसको मिल सकती है, जो कि अभी हो नहीं रही है? अभी पिछले 23 घंटे करीब हो गए हैं तो थाने में बिठा कर रखा है, कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। अगर ईमानदारी से यहाँ पर काम किया जाए तो अभी के जो कानून, मौजूदा कानून है, वो क्या कुछ ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान करते हैं? देखो प्रीति, इसमें बढ़िया छोटी सी चीज है, बिल्डर का काम करने का तरीका स्लो है, किसी कठिनाई की वजह से नहीं कर पा रहा, पैसा नहीं है, ये तो एक अलग मुद्दा है। बात सबसे बड़ी चीज है, इसने जो गलत तरीका इख्तियार करा है, बिल्डरों को फेस नहीं कर रहा, उसको अपने इन्वेस्टर को फेस नहीं कर रहा, इन्वेस्टर से अपनी प्रॉब्लम बताएं, बिना प्रॉब्लम बताए और पैसा हजम कर जाना, ये तो हमारे जो रेगुलेटर में भी, चाहे जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता कि हमें जो चर्चा में नहीं आया कि ये प्रोजेक्ट की क्या स्टेज है, रेगुलेटर के हिसाब से रजिस्टर्ड होगा या नहीं होगा। इस बिल्डर के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के अलावा जो कानूनी दायरे बनते हैं, इसे क्रिमिनल ऑफेंस करके इसको कम से कम 3 साल की सजा होनी चाहिए, जो कानून में प्रोविजन है, जो मारपीट, इट इज अमाउंटिंग टू मर्डर। जो पैसों को लेकर चीटिंग कर रही है वो अपना हमारा रेगुलेटर देखेगा, हमारा कानून देखेगा। इसको एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसने बदमाशी करके एक महिला पे हमला करा, इसके लिए रेगुलेटर एक्ट और इसका कोई मिक्सिंग नहीं हो सकती, और रियल स्टेट इंडस्ट्री वालों के ऊपर काला धब्बा ना लगाए, ऐसे आदमी को एक
इंडिविजुअल तौर पे सजा दी जाए। बिल्कुल, ये अक्सर होता है कि कोई एक बिल्डर धोखेबाजी करता है तो उसके बाद सारे बिल्डर जो ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं तो उनकी साख को लेकर सवाल भी उठने लगते हैं। और वो यहाँ पर भी हुआ है कि अब तक जो झूठे वादे करते थे, जो बायर्स उनको धोखा देते थे, लेकिन यहाँ बुतरेजा बिल्डर से कॉस्मिक बिल्डर की हम बात करें, उसने सारी रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारी हदें पार कर दी और यहाँ पर जो बायर अपना हक मांगने गई थी उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। तो सवाल यहाँ पर यही है कि जो बायर अपनी जिंदगी भर की रकम इन बिल्डर्स के हवाले कर देता है, ऐसे में अगर बिल्डर उनकी रकम को हड़पने के साथ साथ उनकी जिंदगी के भी दुश्मन बन जाए तो ऐसे में बायर्स की जिम्मेदारी कौन लेगा, उनकी सुरक्षा की, उनके जो भी रकम उन्होंने दी है बिल्डर को उसकी सुरक्षा की। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अश्योर रिटर्न के फ्रॉड से बचने के लिए कौन कौन से ऐसे एहतियात हैं जो आपको बरतना बेहद जरूरी है। हमने आपको दिखाया कि कैसे कॉस्मिक बिल्डर के अश्योर रिटर्न की स्कीम में फंसकर बायर्स धोखे का शिकार हुए हैं। कुछ समय अश्योर रिटर्न देने के बाद बिल्डर ने अश्योर रिटर्न के नाम पर अब बायर्स को धोखा दिया है। दरअसल बिल्डर सेल बढ़ाने के लिए तरह तरह के लुभावने वादे करते हैं और उन्हीं लुभावने वादों में से एक है अश्योर रिटर्न। तो ऐसे में बिल्डर के अश्योर रिटर्न की स्कीम देने से पहले क्या कुछ पड़ताल है जो आपको करनी बेहद जरूरी है ताकि आप अश्योर रिटर्न के माया जाल में ना फंसे, इसकी हकीकत जान ले। तो ये रिपोर्ट देखिए हमारी जो खास आपके लिए है। सेल बढ़ाने के लिए रियल्टी डेवलपर्स कई तरह के लुभावने ऑफर्स देते हैं, कैश डिस्काउंट, गोल्ड कॉइन, टीवी प्रिंट से तर कई डेवलपर्स अश्योर रिटर्न की पेशकश भी करते हैं। सवाल ये है कि क्या इन्वेस्टर्स को एश्योर्ड रिटर्न के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए। क्यों संदेह के घेरे में है ये स्कीम? रियल्टी डेवलपर्स हमेशा ऊंचे रिटर्न देने का दावा करते हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई ब्यौरा नहीं होता कि वो रिटर्न कैसे देंगे। डेवलपर इन्वेस्टर्स के पैसे को उसी प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। इन्वेस्टर्स के पास इन्वेस्ट करने वाली प्रॉपर्टी की कीमत का सही आकलन करने का भी कोई टूल नहीं होता है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स का मानना है कि बायर्स को अश्योर्ड रिटर्न से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नोएडा में इससे पहले कई डेवलपर्स ने बायर्स को आकर्षित करने के लिए अश्योर्ड रिटर्न का लुभावना ऑफर दिया, लेकिन 4-5 साल बीत जाने के बावजूद ना तो उनका प्रोजेक्ट तैयार हुआ और ना ही कहे हुए वादे के अनुसार बायर्स को रिटर्न मिला। इसके चलते कई बायर्स ने डेवलपर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। सेबी की ओर से नहीं होती अनुमति। किसी भी डेवलपर्स द्वारा सामूहिक निवेश योजना चलाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी से अनुमति लेना जरूरी है, लेकिन कोई डेवलपर अगर अपनी स्कीम में कुछ फेरबदल करके स्कीम लाता है तो वो सेबी के दायरे में नहीं आता। डेवलपर्स इसका फायदा उठाकर अश्योर्ड रिटर्न की स्कीम चला रहे हैं। कई डेवलपर्स ऐसे भी हैं जो अपने इन्वेस्टर्स के साथ किसी तरह की धोखेबाजी नहीं करते। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इन्वेस्टर्स ऐसी किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट समाचार प्लस। तो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शरद जी आप ये बताएं जरा, जो अश्योर रिटर्न है इसे हम माया जाल ही कहेंगे, क्योंकि जो एक मिडिल क्लास है जो मकान खरीद रहा है उसको लगता है कि चले कुछ और अगर यहाँ पर मिल रहा है, कुछ और मुनाफा उसे हो रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? तो पहले तो ये बताएं कि क्या अश्योर रिटर्न जैसा कोई प्रावधान है, क्या ये लीगल है, और अगर हाँ तो फिर कैसे इनको धोखा मिल जाता है बायर्स को, और अगर नहीं तो फिर ये पॉलिसी या फिर जो भी यहाँ पर इस तरह की स्कीम है वो कैसे चलाई जा रही है? देखो, अश्योर रिटर्न नाम की रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में कोई किसी तरीके से ना आरबीआई ने परमिशन दे रखी है, ना किसी और कानून के तहत है। कानून को तोड़ मरोड़ कर बिल्डर, जो जिन बिल्डरों के पास अपना प्रोजेक्ट चलाने के लिए पैसा नहीं होता, वो लोग मार्केट से पैसा ब्याज पे ले नहीं सकते, उनके क्योंकि अपने फाइनेंशियल खराब है, बैंक उन्हें लोन नहीं देता, तो उन्होंने तिकड़मबाजी करके एक धोखे का जाल बुना। आप इन्वेस्ट करें आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, और उस प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको अश्योर्ड रिटर्न मिलेगी, घर भी आपका, किराया भी आपका। वो ऐसा झांसा देते हैं, मकान हम आपको बना के देंगे और उसका जो किराया भी होगा वो भी आपको देंगे इसके रूप में।
जो नॉर्मली 12.5% 13% 14% एश्योर रिटर्न होती है, क्या हिंदुस्तान में कहीं भी इसका प्रचलन है 1% या 1.25% पे किसी बिल्डर को कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए ब्याज पे पैसा मिले? जब नहीं मिलता, ये भोले भाले इन्वेस्टर को रंग बिरंगे पोस्टर, ब्रोचर, होल्डिंग और प्रोजेक्ट को यूपी का, सिंगापुर की, अमेरिका के पोस्टर दिखाएंगे, हम आपको ऐसा बना के दिखाएंगे, ऐसा बना के देंगे, ऐसी लुभावनी चीजें करते हैं जो बेचारा इन्वेस्टर उनके धोखे में आ जाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि एक झांकी हम कहें कि ऐसी सजा दी जाती है, ऐसी दुनिया उनको दिखा दी जाती है कि बस इन्वेस्टर्स उसमें सम्मोहित हो जाते हैं। हम यही कहेंगे कि वो जाता तो कुछ और के लिए, लेकिन वहां पर बिल्डर इस तरह से उनको दिखाते सारी तैयारी कि अपना पैसा वहां गवा कर आ जाता है। तो ऐसे में जो शरद जी ने बताया कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी तरह की लीगल स्कीम नहीं है, कोई अगर आपको इतना लुभाना वादा कर रहा है, लुभाना ऑफर दे रहा है, तो पड़ताल उसकी जरूर कर लें। और समाचार प्लस वैसे आपके साथ ही जो समय समय पर आपको सजग करता रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, शुक्रिया। तो चले जाते आते कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके अपने सपने के घर के लिए। बारिश का मौसम है तो ऐसे में देखभाल जरूरी है, तो इसलिए आप अपने प्यारे से घर को सही सलामत रखने के लिए खासतौर पर इस बात का ध्यान रखें कि कहीं से कोई छत तो नहीं चपक रही या कहीं से कोई पानी लीक तो नहीं हो रहा। तो इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में इतना ही।